काफ़ी बच्चे डूब चुके हैं, काफ़ी मौतें यहाँ पर हो चुकी है। मग इसी तरीके चढ़ गए। राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं आपको लेकर पीपल घाट। ये देखिए रास्ता ये जा रहा है, ये पीपल घाट। फ्रेंड, आप सबने नाम तो सुना ही होगा पीपल घाट का। कुछ लेडीजें शायद यहाँ पर ना आई हों और कुछ बच्चे, उन्होंने भी नाम सुना होगा। तो हर कोई हमारे शाहजहाँपुर का बंदा जो उत्सुक रहता है इस स्थान पर जाने को, पीपल घाट नाम कहीं उन्होंने सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग शायद आप लोग गए ना हो, और बहुत से लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सब लोग गए हो पीपल घाट। सबसे पहले हम आपको रास्ता बता देते हैं पीपल घाट का, किस जगह पर स्थित है ये। फ्रेंड कैंटोनमेंट में स्थित है। ये जो सामने रास्ता फ्रेंड जा रहा है, ये हम कैंटोनमेंट से होके आ रहे हैं, सीधा म्यूजियम वाला रास्ता है फ्रेंड। ये सीधा रास्ता जो है वो म्यूजियम वाला है, और म्यूजियम वाला रास्ता हम इधर की तरफ जैसे ही आएंगे थोड़ा सा आगे चल के, ये रास्ता फ्रेंड मऊ की तरफ जा रहा है। ये रास्ता जाएंगे तो ये मऊ निकल जाएगा रास्ता, और ये निकल जाएगा सीधा आपका म्यूजियम। तो फ्रेंड चलते हैं, आपको दिखाते हैं पीपल घाट। एक ब्लॉग में पहले भी डाल चुका हूँ फ्रेंड पीपल घाट का, आज दोबारा से आपको दिखाता हूँ दोबारा पीपल घाट। कुछ यहाँ की रहस्यमयी बातें भी हैं, वो भी आपको चलते चलते बताएंगे। पहले नीचे उतर जाएं थोड़ा सा। आप पुराना ब्लॉग भी देखिएगा जरूर पीपल घाट का, और कुछ रहस्यमयी बातें हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगा फ्रेंड। चलते चलते थोड़ा सा आगे चलते हैं। रहस्यमयी बातें फ्रेंड ये है, कुछ लोग कहते हैं कि इस स्थान में फ्रेंड सुपर नेचुरल पावर रहती है। मतलब कहा जाए, जिसको कहा जाए, मैं थोड़ा हल्के बोलता हूँ फ्रेंड, तेज बोलूँगा सुन ना ले कोई फ्रेंड, जैसे भूत भूत होते हैं है ना, भूत चुड़ेले शुड़ेले है ना, वो सब रहती है। तो हल्के बोल रहा हूँ जानबूझ के, कहीं सुन लिया तो कहीं हमें आगे पकड़ ना ले चल के, जनता माफ नहीं करेगी। तब मैं हल्के बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा फ्रेंड कहा जाता है। फ्रेंड हम देखिए पीपल घाट के रास्ते पे आए तो कुछ शराबी भी यहाँ पे आते हैं, इंजॉय करते पौए शौए बियर शेयर की काफी कहने भी पड़ी होती है ना। और ये देखिए रास्ता, ये बैक साइड है फ्रेंड, देखिए कोई बंदा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सन्नाटा ही सन्नाटा आवाजें आ रही हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा, कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है। जो समय है वो 4:45 का हो चुका है फ्रेंड, तो हमें इस रास्ते कोई नहीं दिख रहा। रास्ता देखिए, 2 दिन से बरसात हो रही थी बहुत शाहजहाँपुर में, तो हमें लग रहा शायद रास्ता सही ना हो, लेकिन फ्रेंड बिल्कुल सही मिल रहा है रास्ता। देखिए सूख गई, जितनी बरसात हुई थी, देखिए कुछ भी कहा जाए कि कोई दिक्कत नहीं हो रही जाने में। हम आपको आज लेके चल रहे पीपल घाट, तो कुछ बातें हम आपको बताना चाह रहे थे फ्रेंड। हुआ क्या, आगे घाट है, तो घाट में क्या होता है फ्रेंड, कई हादसे हो चुके हैं घाट में। कैसे हादसे आपको बताते हैं। कई बच्चे जैसे नहाने वगैरह आते हैं यहाँ पे, या जेंट्स वगैरह कई लोग आ चुके हैं, तो होता क्या, वो डूब गए फ्रेंड कई बार। मतलब कहा जाए कि यहाँ पे डूब गए, डूबने के बाद जाहिर सी बात है वो खत्म ही हो गए कई लोग। कई हादसे फ्रेंड ऐसे हुए हैं इस स्थान पर। ये देखिए किसी का जूता फ्रेंड पड़ा है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये किसका जूता भैया अटका हुआ है यहाँ पे, दिखाओ। ये देखिए जूता दिख रहा है फ्रेंड, जूम करके भैया हमारे फ्रेंड को दिखाना। अब बताइए जूता कैसे पड़ा, ये तो नया जूता लग रहा है बिल्कुल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आगे से भैया दिखाना इधर, किसका जूता है ये, बिल्कुल नया जूता है। और देखिए फ्रेंड रास्ता देखिए, मतलब रास्ता क्या, रास्ता तो जा ही रहा था, ये देखिए किस तरीके क्या लग रहा, देखिए आप खुद देखिए कैसा स्थान है ये, है ना। पता नहीं किसका जूता पड़ा था, हमने कहा आपको जूता भी दिखा दें, जो मिले दिखाए जाओ फ्रेंड, है ना। जूता मिल रहा तो जूता आपको दिखा रहे हैं, पौआ मिला तो पौआ दिखा रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, जो मिल रहा है दिखा रहे हैं आपको। अरे आगे हमें लगता रास्ता ही ना बंद हो, ये देखिए आगे। तो फ्रेंड यहाँ पे काफी हादसे हो चुके हैं। उसके अलावा फ्रेंड जो घाट है वहां पे भैया मगरमच्छ भी आ जाता है ना, मगरमच्छ भी। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छी जगह नहीं है ये, जो हमने आपको हल्के बताया तो भूतों वाली बात वो हल्के ही बोलेंगे, आगे हो सकते हैं है ना, मगरमच्छ भी हो सकता है, वो थोड़े सुनेगा हमारी बात, मगरमच्छ भी हो सकता है, कोई बात नहीं भैया। ये देखिए कैसा रास्ता भैया, खतरनाक रास्ता है ये, अरे भाई ये देखिए फ्रेंड रास्ता देखिए, पानी पड़ा है बिल्कुल, गाड़ी वाड़ी तो कोई अंदर जाती नहीं है, लेकिन रास्ता देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। ये देखिए झाड़ियां फ्रेंड, ये देखिए झाड़ियां, कितनी सारी झाड़ियां, ये देखिए इले का पेड़, झाड़ियां देखिए, झुक के निकलना पड़ेगा, जाएंगे भैया कोई बात नहीं। फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा,
और शेयर जितना हो सके उतना कीजिएगा। आपको पीपल घाट दिखाने चल रहे हैं, यहाँ से हमको कूद के जाना पड़ेगा थोड़ा सा, वही बात नहीं, कूद गए। अब ये देखिए फ्रेंड, बरसात आई थी तो पूरा पेड़ ही टूट गया है, हमको इससे नीचे झुक के निकलना पड़ेगा। रास्ता आप देख रहे हो फ्रेंड किस तरीके का, चारों तरफ ये देखिए पेड़, तो यहाँ से तो झुक के निकलना पड़ेगा भाई। ये देखिए फ्रेंड, वहां से देखिए पूरा, देखिए तना ही गिरा पड़ा यहाँ से, ये देखिए पूरा आपको दिखाई दे रहा है उस स्थान से पूरा इस तरफ। चलो भैया झुक के निकलेंगे, सतनाम वाहेगुरु। अब यार आगे तो रास्ता और खतरनाक लग रहा भैया, आइए फ्रेंड दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता। और ये देखिए इंपीरियल ब्लू पौए शौए सब पड़े हैं भैया, मतलब मौज मस्ती फुल होती है यहाँ पर। अरे भाई यहाँ तो रास्ता ही लग रहा है यार, कैसे जाएंगे। यहाँ तो फ्रेंड रास्ता ही लग रहा है यार, जाएंगे कैसे। भैया घास वास में पैर मत रखना, बरसात का मौसम चल रहा है ना, ध्यान से थोड़ा यार। भैया फ्रेंड आगे रास्ता तो बिल्कुल देखिए कैसा अजीब लग रहा है, ये देखिए पूरा गड्ढा बना पड़ा। ठीक है भाई आराम से आना मेरे भैया, चलो चलते हैं फ्रेंड भी आगे। अरे यहाँ से तो निकल ही नहीं पाएंगे, मैं लग रहा है यार पानी भरा पड़ा आगे। अरे तो बड़ा खतरनाक रास्ता यार, ये देखिए फ्रेंड किस तरीके पूरा गड्ढा बना पड़ा है। उधर से रास्ता देखिए किस तरीके का, आप खुद देखिए कि कैसा रास्ता है। अब हम यहाँ तक तो आ गए, अब हम आगे कैसे जाएं आप बताओ फ्रेंड। यहाँ तो यार पूरा रास्ता ही बंद है, ये पेड़ गिरा पड़ा फ्रेंड। शांति देखिए कितनी, कुछ भी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ चिड़िया चहचहा रही है, उन्हीं की आवाज आ रही है। यार जाएं कैसे भैया ये इस स्थान पे, हमें तो समझ नहीं आ रहा। आगे पानी भी भरा पड़ा है, नहीं तो किसी तरीके से हम चले आते लकड़े वकड़े तोड़ के। भैया आगे से दिखाओ जरा कैसे जाएंगे यार हम लोग, यार कैसे निकले इधर से। देखिए फ्रेंड आप कैसे जाएंगे हम, ये देखिए आप, ये देखिए रास्ता बिल्कुल जंगल है, ये देखिए पूरी डंकाल है शंकाल है, सब रास्ते में गिरी पड़ी है। और आगे सबसे मेन चीज पानी भरा, ये देखिए पानी भरा पड़ा, तुम आगे कैसे जाएं समझ नहीं आ रहा। और रास्ता भी यही है, इधर से चढ़ के जाया जा सकता कहीं से, क्यों भाई इधर कहीं से जा सकता है बताओ, इसके ऊपर चढ़ के जा सकते हैं क्या। तो चलें इनसे पूछ रहे, क्यों भाई हर्षित बताओ यार, इधर चढ़ के जाया जा सकता है। भाई ध्यान से जरा, अगर निकलोगे तो चढ़ेंगे कैसे यार। ये देखिए चप्पल पहन के आए हैं, निक्कर पहन के आए हैं, तो कैसे जाओगे यहाँ से। आगे से रास्ता है इधर का, पीछे से रास्ता था यार इसका, एक रास्ता उधर से भी है पीछे से धोबी वाला, वो तो अलग रास्ता यार, ये रास्ता सही था सीधा सीधा। भैया देखो तो क्या भाई, ये देखिए हमारा सन्नाटा ही सन्नाटा है। हर्षित कह रहा है इधर चला जा सकता है, तो हमने कहा अच्छा चढ़ के देख ले, और रास्ता है तो हम भी आ जाएं ऊपर चढ़ के। भाई बहुत आराम से चढ़ना भाई, ये तो चढ़ गया यार, है रास्ता है, निकल पाएंगे हम लोग, देखो तब तो आए हम है। अरे अरे भाई ये कहाँ घुस गया यार, कौन से जंगल में घुस रहा है, है? है? आए भाई हमसे कह रहा रास्ता है तो चलो। और फ्रेंड इधर रास्ता नहीं था, ये देखिए हाय हाय फ्रेंड, हम है शाहजहांपुर के पीपल घाट में। नाम हर किसी ने सुना होगा पीपल घाट का, जो शाहजहांपुर में रहता होगा तो नाम तो जाहिर सी बात है सुना ही सुना होगा, है ना। और लेकिन बहुत सी लेडीज ने ना देखा हो, बड़े लोग हो सकता है इस स्थान पे आ गए हों लेकिन लेडीज वगैरह शायद ना देखा हो। भैया मोबाइल पकड़ लो जरा यार, कोई बात नहीं चलो हम आ रहे हैं, तुम नहीं आ पा रहे तो
अरे भाई, अरे भैया चढ़ गए तो पकड़ो भैया, मोड़ो यार। अरे भाई किसी तरीके चढ़ गए फ्रेंड हम ऊपर। अरे गिर ना जाए। अरे भैया डंकाल पकड़ लो। आए रे, आ गए। पहले उसी स्थान पे खड़े थे फ्रेंड, ये देखिए। अरे ये इधर देखिए भैया, नीचे पहले उधर खड़े थे, वो लपा लप मिट्टी में आ गए ऊपर चढ़ के। पसीना भी आ गया हमें तो, ये देखिए पसीना आपको दिखा, ये देखिए पसीना, मेहनत का पसीना आ गया है भैया। चलते हैं आगे, इन्होंने बताया रास्ता इधर से है। थक रही है हमारी बहुत। अब तुम कह रहे रास्ता है, कूदेंगे कहाँ से यहाँ हैं? इधर से चलेंगे, यहाँ तो कुत्ता है यार, जंगली, ये जंगली कुत्ता आ गया। ये अगर पीछे पड़ गया तो फ्रेंड देखो जंगली कुत्ता आ गया। जंगली नहीं, किसी का पालतू होगा फ्रेंड, लेकिन वो देख रहे हैं हम लोगों को। यार इधर से कैसे चलेंगे, इधर गिर जाएंगे यार। क्यों रास्ता ही नहीं है, क्या करें हैं? इधर से देखें अभी बहुत ध्यान से फ्रेंड, उधर तो रास्ता ही नहीं है, उन्होंने हमको गलत बता दिया, हम इधर आ गए। इधर से रास्ता देखा जा सकता, देखते हैं भैया वो रास्ता मजेदार था, देखते हैं जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। खतरनाक रास्ते हैं कुल मिला के। यहाँ से तुम गिर जाएंगे, कूदेंगे। अरे भाई ये तो कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पे, डॉगी डॉगी, डर लग रहा है, खतरनाक कुत्ते हैं। रास्ता ये भी आगे ही जा रहा है, पीपल घाट के लिए जा रहा है, इधर से चलते हैं। ये तो साफ सुथरा रास्ता लग रहा है, वो तो बड़ा खतरनाक था, बल्कि पूरा बंद हो गया रास्ता जैसे, वो तो बड़ा खतरनाक रास्ता था। एक रास्ता ये किनारे से ये भी निकल आया, लेकिन भाई देखो जंगल देखो कैसा फ्रेंड, पीपल घाट का भैया फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई मगरमच्छ वगैरह ना दिख जाए हमको आगे। ये रास्ता मिल गया इधर से फ्रेंड, बहुत बढ़िया। देखो कुछ लोग स्कूटी स्कूटी भी खड़ी है ना, कोई ऐसे ही मनोरंजन करने भी आता है, सन्नाटे में बैठने आता है, कोई भैया पौवा शुगा लगाने आता है, देखते हैं कोई पिकनिक मनाने आता है, देखते हैं आगे रास्ता है या नहीं। आ गया रास्ता, बहुत बढ़िया, आओ यार मिल गया रास्ता। फ्रेंड हम इधर से आते, ये रास्ता था, हम इधर से आते, लेकिन बाई चांस की बात है हमको रास्ता बदलना पड़ा और हम ये पहुंच गए कहाँ, पीपल घाट। अभी बरसात आई है दो दिन, तो देखिए पानी वानी भी थोड़ा बढ़ गया है, और एक बिया शेर की बोतलें भी पड़ी हैं भैया इधर, है ना। पानी भी काफी है फ्रेंड, फ्रेंड यही पानी है जो कहा जाता है आगे खन्नौत नदी है, तो यही तो पानी आ रहा है वहां पे खन्नौत में, जो आगे पुल आएगा खन्नौत का लोधीपुर वाला, तो यही पानी वहां से बहता हो जा रहा है। और लेकिन भी सन्नाटा है भाई, एक दो बंदे बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, बैठे हैं लेकिन बाकी पानी ऊपर तक आ गया है, कोई मगरमच्छ वगैरह ना आ जाए बस, ऊपर तक पानी की कोई बात नहीं है ना, कहीं हू हमें करे मगरमच्छ कैसे करता, हू करता कैसे करता, हमें तो फ्रेंड ये भी नहीं पता कैसे करता है, हमने वीडियो के देखे मगर भाई यू करता, अपना जबड़ा खोलता ऐसे सीधा एकदम पैक बंदा। दोस्तों हम आ चुके पीपल घाट, ये रास्ता था बहुत खतरनाक, आगे एक रास्ता दूसरा मिलेगा दोस्तों, चढ़ के आ गए। एक साइकिल खड़ी है और ये देखिए आपको पूरी, हम यहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं आपको, ये देखिए पानी बह रहा है सामने से, पानी आ रहा है देखिए। यहाँ पे कई हादसे फ्रेंड, मजाक की बात नहीं, कई हादसे हो चुके हैं,
कई बच्चे यहाँ पे डूब चुके हैं, कुछ बच्चे इंजॉय करने यहाँ पे आते हैं, उन्हें नहीं पता होता किस प्रकार की ये जगह है। और कहा जाए सुपर नेचुरल पावर मैं आपको बता रहा था, वो भी यहाँ पे है। ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है भाई, है ना। ये देखिए ये पूरा व्यू है फ्रेंड, चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं आप मेरे चारों तरफ, ये पूरा व्यू है पीपल घाट का। और फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तो वह गलत नहीं है, बहुत सही है, सच में ऐसा है। और यहाँ पे कई बच्चे ना जो आ जाते हैं अनजाने में, कि एक उनके मन में बात होती है कि पीपल घाट कैसा है, किस प्रकार है, नाम सुना होता है। कई लोग हैं जो शाहजहांपुर में रहते हैं, उनको नाम तो भाई पता लग ही जाता कि ये जगह पीपल घाट है, तो मन में एक उत्सुकता रहती है, मन में एक मन करता है कि यार देखिए कैसी जगह पीपल घाट है ना, एडवेंचर करें। छोटे छोटे बच्चे तो सोचते हैं एडवेंचर करें, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, गलत जगह, अच्छी जगह नहीं है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। हमको तो कहा जाए बिल्कुल सन्नाटा ही लग रहा, तो उन्हें नहीं आना चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ पे डूब भी चुके इसी फ्रेंड घाट पे, डूब चुके हैं, काफी बच्चे डूब चुके हैं, काफी मौतें यहाँ पर हो चुकी है। मगरमच्छ तक यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड, इस घाट पे मगरमच्छ तक देखे गए हैं, जिसने भी कुछ लोगों ने देखे, तो मगरमच्छ भी यहाँ पे कहीं आ जाते हैं कभी कभी। और नेगेटिव एनर्जी तो फ्रेंड है ही है, ये बात तो सच्ची है ना, गलत नहीं बता रहे हम आपको। तो कृपया करके आप जगह पे ना आइएगा, और आपका कभी मन कर रहा आने का तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, है ना। ऋषि कालरा ब्लॉग के नाम से चैनल, और भी लोगों को बताइएगा, पीपल घाट देखना चाहते तो देखो कैसा है, वीडियो में दिखाई उन्हें, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं भाई, हम तो यही कहेंगे, है ना। हम आ गए कोई बात नहीं। ये देखिए पानी कैसे बह रहा है, क्योंकि हमारे शहर की कई ऐसी जगह है जहाँ पे लेडीज वगैरह नहीं जा पाती हैं, बच्चे छोटे नहीं जाते, जेंट्स तो चलिए कभी कभी चले जाते देखने कि कैसी जगह है, है ना, लेकिन छोटे बच्चों को तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेडीज वगैरह भी देखिए यहाँ पे नहीं आते, आप देख ही रहे चारों तरफ, ये देखिए सन्नाटा, कोई दिख रहा है आपको, एक आध बंदा सामने दिख रहा है, मोटरसाइकिल किसी खड़ी थी, स्कूटी खड़ी थी, एक साइकिल खड़ी थी सामने, वो भी किसी काम से अपने खेतों में आए हैं सामने। और वैसे आप कहेंगे कोई नॉर्मल बंदा यहाँ पर है खड़ा हुआ, है ना, कोई फेमस जगह तो है वैसे ये शाहजहांपुर की, लेकिन भाई साहब आप कहो कि हाँ वैसे कोई बंदा हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पानी देखे काफी तेजी में बह रहा है। तो फ्रेंड ये था पीपल घाट का एक ब्लॉग, जो कि हमारे शाहजहांपुर में स्थित है, लेकिन फ्रेंड शांति बहुत है कुल मिला के यार, वो शोर शराबा नहीं दिख रहा, चब्बड़ भब्बड़ वो कुछ नहीं दिख रही है, शांति बहुत लग रही है। चिड़िया चहक रही है ना, उनकी चहकाने की आवाज आ रही चिड़ियों की, तो लग तो अच्छा आ रहा है, अच्छी मतलब फिर हम कह रहे अच्छी जगह, अच्छी जगह नहीं आना मत तुम लोग कोई भी यहाँ पर, समझो बात को हमारी, अच्छा हमको सिखा रहा है। और बच्चे छोटे बच्चे तो बिल्कुल ना आना यहाँ पे भाई, कहीं एडवेंचर करने आ जाओ पीपल घाट पे, बिल्कुल नहीं आना है, है ना। तो चलते फ्रेंड, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब आपको मिलते हैं नए ब्लॉग में नई जगह के साथ, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।